हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अपने आप को छोटी सी छुट्टियों का एक गिफ्ट दे देना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप लोगों को खुशियाँ दे सकता है। मैं गई थी एक छोटी सी वेकेशन पे। कहाँ पे गई थी आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी से ज़रूर चेकआउट कर लिया होगा। वापस आने के बाद मुझे अपने घर को रीसेट करना था। बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें वॉश करना था, जो कपड़े लेके गए थे उन्हें उनकी जगह पे रखना था। काफ़ी सारा घर हम लोग बिखेर के गए थे जाते टाइम, उसको भी हमें अरेंज करना था। तो चलिए मिलके घर को रीसेट करते हैं, और उसके साथ ही आप लोगों के साथ बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स देने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि आप लोगों को फ्यूचर में काफ़ी काम आएंगी। अपने बेड को मैं दो पुरानी बेडशीट से कवर करके गई थी, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी मुझे डस्ट नहीं देखने को मिली। बस आते ही मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ बेडशीट। बेडशीट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अमेज़ॉन ब्रांड की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और जो मेरा बेड है वो 7 फीट का है, तो उसे बहुत ही अच्छे से ये कवर भी कर लेती है। हेलो। आप लोगों के साथ मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बेडशीट को लगाने के लिए मैं हमेशा ये हॉस्पिटल मेथड चूज़ करती हूँ। ये मैंने अपने नर्सिंग लेक्चर में सीखा था, आज भी इसे फॉलो कर रही हूँ, और बेडशीट बहुत अच्छे से टकिन रहती है। बेड साइड टेबल पे वायर्स का बहुत सारा झमेला आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरी, क्योंकि यहीं पे ना फ़ोन चार्ज होता है, कैमरा है, मोबाइल है। यहाँ पे मैं किस तरीके से लेके गई थी सारी वायर्स को, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे वायर्स को पहले छोटा एक रोल करा। बेबू का मैंने यहाँ पे एक पाउच यूज़ करा था, और इसके अंदर मेरी वॉच है, आईपैड है, फ़ोन है, उनकी वायर्स आ गई। उसके साथ ही जो सॉकेट थे वो मैंने इस वाले सेक्शन में रखे। आप लोग जब भी ट्रेवल कर रहे हों उस टाइम पे आप लोग अपने साथ ईयरफोन ये सब लेके जाइएगा, बहुत ज़्यादा जब बोर होते हैं तो काम आती हैं चीज़ें। और आप लोगों के पास ना एक पावर बैंक ज़रूर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने इस पाउच में रखी थी, और बस इस पाउच को मुझे निकालना था जब भी मुझे अपने फ़ोन चार्ज करने थे। नीट भी लगता था कमरे में, वापस से इसके अंदर यूज़ करके सामान को पैक कर देती थी। मेरी बेड साइड टेबल के अंदर दो ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करती हूँ, एक ये वायर ऑर्गेनाइज़र है और एक ये कपड़े का ऑर्गेनाइज़र है। इसके अंदर मुझे वापस से चीज़ों को रीसेट करना था। जितनी भी वायर्स मैं अपने साथ लेके गई थी या इसके अंदर से जल्दबाजी में निकाली थी, उन्हें उनकी जगह पर रख देना था। इस तरीके से अपने घर के छोटे छोटे कोनों को जब मैं रीसेट करती हूँ, उन्हें वापस से ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्लीन करती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि कम से कम छोटे छोटे कोने तो मेरे घर के ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इसके साथ ही बड़ा सेक्शन अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इस वाली बास्केट के अंदर मेरी डेली की टू डू लिस्ट जो मैं बनाती हूँ वो रहती है, और उसके साथ एक और छोटी डायरी है जिसमें मैं अपना कुछ पैसों का हिसाब भी लिखती रहती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। बस अभी मुझे घर में सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना है, और इतना साफ होना चाहिए कि यहाँ पे रहने में सुकून मिले मुझे। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है, और उसके साथ ही बेडरूम भी मेरा काफ़ी अच्छे से क्लीन हो रहा है। ये छोटी सी डॉल है जो कि मेरे पेंस को अपने पास रखेगी संभाल के। मेकअप सेक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें अपने साथ रखती हूँ, यूज़ करती हूँ, और ये सारे मेकअप के सामान को अपने साथ लेके जब मैं गई थी तो जिस पाउच में लेके गई थी वो छोटा था, तो उस टाइम पे तो इसके अंदर चीज़ें आ गई, पर जब मैं डेली बेसिस पे उसमें से चीज़ें निकाल के और रखने लगी तो वो छोटा पड़ने लग गया मुझे। फिर मैंने वहाँ जब शॉपिंग स्टार्ट करी तो मैंने एक ये पाउच परचेज़ करा 80 रुपीज़ का, और कम रुपये में मुझे अच्छा पाउच मिल गया। कैपेसिटी तो काफ़ी अच्छी है, बहुत सारा सामान इसके अंदर आ गया था। तो आप लोग भी ना बड़े पाउच अपने साथ लेके जाइए, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो मम्मी वगैरह यही सलाह देती हैं कि गोल्ड मत पहन के जाना, तो मैंने ना ऐसे छोटे छोटे से नेकलेस अपने काफ़ी सारे परचेज करके रखे हैं, इन्हें ही मैं अपने साथ लेके गई थी। ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं यहाँ पे मिठाई के बॉक्सेस, चॉकलेट के बॉक्सेस, इनको यूज़ कर लेती हूँ। मेकअप का तो मुझे शौक रहता ही है, इसके साथ ही चीज़ों को ढंग से जब मैं रखती हूँ ना तो विजुअल जो अपीलिंग है वो उनकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे नेल पेंट एक साथ रखे हैं, आई शेडो हो गए, लिप बाम हो गए, लिपस्टिक हो गई। कैटेगरी बना देने से चीज़ों को यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है।
टॉप सरफेस को क्लीन करके मैं यहाँ पे एक टेबल क्लॉथ लगाऊंगी और उसमें वही चीजें रखूंगी जो मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ। बेबू की जो चीज़ें मिली वो उसके रूम में मैं रखकर आ जाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बालकनी में आई हूँ। बालकनी में मैंने आते ही सारे प्लांट्स को धूप दिखा दी थी, कुछ जिनको धूप की ज़रूरत थी और कुछ जिनको ज़्यादा धूप मिल गई थी उन्हें अब अंदर लेकर आई हूँ। पत्ते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज हो रहे हैं पर मुझे पता है टाइम के साथ ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स को उतनी ही केयर की ज़रूरत है जितना कि हम लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तभी वो अच्छे से ग्रो करेंगे और उनकी लीव्स इतनी हरी भरी दिखती हैं। डाइनिंग रूम में सबसे पहले मैंने कॉफ़ी मशीन का जो पीछे वाटर टैंक है उसमें से वाटर सबसे पहले खाली करा, उसे वॉश करा और अब डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे भी बेडशीट जो लगाई हुई थी उसे वॉशिंग में दे दूँगी। और ये जो बेडशीट है ये कॉटन की मुझे अच्छी लगती है, इसका प्राइस कम है, 350 या 400 रुपये की मैंने परचेज़ करी थी। पिलो कवर इसके साथ नहीं आते हैं पर ना ये बहुत अच्छे से डाइनिंग टेबल को कवर कर लेती है। जब मुझे देख के लगता है कि इसकी प्राइस कम है, क्वालिटी अच्छी है और मैं इसे फ्यूचर में यूज़ करती रहूँगी अपने घर में, तो मैं उसे पक्का से परचेज करके ले आती हूँ और यूज़ भी करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। बीच बीच में अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर करते रहिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। कॉफ़ी सेक्शन को मैंने अरेंज कर लिया है एक छोटी सी गोल्डन ट्रे में, ये मैंने खुद ही बनाई थी, और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं वो भी रख दूँगी। अच्छे से डाइनिंग टेबल क्लीन हो गई है, सारी चीज़ें उनकी जगह पे आ गई हैं। नेक्स्ट डे वापस से अपना क्लीनिंग का काम मैं शुरू करूँगी। तो धीरे धीरे करके ना आपका घर रीसेट होता है, मतलब एक दिन में तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें कल करी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें आज करूँगी। इस लैम्प को मैंने देखा था बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी जब मैं गई थी, तो वापस आने के बाद सबसे पहले मुझे इसे ही डीप क्लीन करना था। नीचे काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जाले लग जाते हैं, टाइम टू टाइम इस पर ध्यान देना पड़ेगा। वैसे भी बैम्बू की है, ख़राब हो सकती है, तो इसके ऊपर मैंने पेंट करके रखा हुआ है गोल्डन। वापस कभी दोबारा एक बार करने वाली हूँ मैं इस पर पेंट। बच्चों से रिमोट्स को छुपाने के लिए इस बास्केट को यूज़ कर रही हूँ और इसको भी छुपा दूंगी मैं नॉवल से। आइडिया मुझे लग रहा है काम कर जाएगा, आदि से तो मुझे सबसे पहले रिमोट छुपाना पड़ता है। घर पे जितनी भी कीज़ मैं लगा के गई थी या यूज़ करी थी आने के बाद वापस से मैंने हैंग कर दी हैं। इस तरीके के DIY बना के रखती हूँ अपने घर पे, फ्रिज वगैरह पे रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरी कर्टेन टाई रहती हैं, जो भी हम लोग लेस वगैरह खरीदते हैं ब्लाउज़ या सूट बनवाने के लिए उसी का पार्ट मैं यूज़ करती हूँ, कर्टेन टाई बना देती हूँ। इनसे अच्छी भी लगती हैं और हमारे पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। घर को अरेंज कर रही थी तब ध्यान आया कि एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंगिंग परचेज करी थी, आज इसको लगाते हैं लिविंग रूम में और लिविंग रूम इससे बदला हुआ भी दिखेगा और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देख के। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये चेंजेस कैसे लग रहे हैं जो मैं घर में कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े जो प्रेस हो चुके थे उन्हें उनकी जगह पे रखना था, तो जब रूम ठीक हो जाता है ना, चीज़ें आप लोगों के कंट्रोल में आ जाती हैं, उसके बाद मैं ये छोटे छोटे काम निकालती हूँ, जैसे कि कपड़े थे उन्हें कहाँ पे रखूँ, बच्चों के शूज़ देख लेना, उनकी बुक्स वगैरह अरेंज करना। कपड़ों को कुछ कैटेगरी में निकाल लूँगी ताकि काफ़ी आसान हो उनकी जगह पर रखना, बच्चों की टी शर्ट, बच्चों की पजामी एक सेक्शन, आदि का एक सेक्शन, मेरे कुर्तों का एक सेक्शन, मेरे टॉप्स का, ट्राउजर्स का। इस तरीके से रखते टाइम ना मुझे एक एक कपड़ा नहीं उठाना पड़ेगा, एक साथ मैं रख दूंगी। ये कुर्ता मैं वहीं से परचेज करके लाई हूँ और आप लोगों के साथ मैं किसी वीडियो में पहन के दिखाऊंगी। थोड़ा सा इस बार बड़े साइज का लिया है, गर्मियों में खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं। हैंडबैग के अंदर मैं जितना भी सामान लेके गई थी उसे भी उसकी जगह पे रख रही हूँ, आते टाइम तो इसमें काफ़ी सारा सामान आ गया था। यहाँ पे जैसे सनग्लास हैं उन्हें भी मैंने रखा हुआ है हॉर्लिक्स के बॉक्स में, तो वापस से वहीं रखूँगी, क्योंकि एक जगह से आप जब सामान निकालते हैं और वापस से रख देते हैं तो आपको याद भी हो जाता है कि ये मैंने इसी के अंदर रखा हुआ है।
कॉइन्स को रखने के लिए और खुले पैसों को रखने के लिए मैंने इस छोटे से ऑर्गेनाइजर को यूज करा। इसने मेरी बहुत हेल्प करी जब मैं ओला करती थी या फिर मैं ऑटो करती थी, तो यहाँ से मुझे खुले पैसे मिल जाते थे और बार बार मुझे पर्स की हर एक जेब को नहीं चेक करना पड़ता था कहाँ पर है। बच्चों के भी कपड़े मैं अब बच्चों के रूम में लेकर आई हूँ। अभी बच्चों के कपड़े मैं ऐसे ही लॉकर में रख दूंगी, बाद में जब टाइम मिलेगा मुझे तब मैं इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी। जो भी बेडशीट थी प्रेस हो गई थी, उन्हें मैं यहाँ पे उनकी जगह पे रख रही हूँ। पिलो कवर्स की जगह, कुशन कवर्स की जगह। चलिए ये सेक्शन भी ऑर्गेनाइज हो गया। अब बारी आती है शूज़ की। तो शूज़ ना काफ़ी ज़्यादा जो हम लोग लेके गए थे और यहाँ पर थे वो मुझे बिखरे हुए दिख रहे थे, इसलिए मैंने ये बास्केट है इसको यूज़ कर लिया है। और जो हम लोग शूज़ यहाँ पे डेली वेयर करते हैं वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए, वो मैं इस बास्केट में रख रही हूँ। देखने में बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा क्लटर्ड। और उसके साथ ही एक और व्हील बास्केट है, इसको यूज़ करूँगी। जो चीज़ें हम लोग ओकेजनली पहनते हैं, बच्चों की हों चाहे मेरी हों, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो कई बार कुछ चीज़ें बिखरी हुई जब रहती हैं ना, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और उसी जगह पे इन सारी चीज़ों को आप लोग अगर बास्केट में रख देते हैं तो देखने में अच्छी लगती हैं, ऑर्गेनाइज लगती हैं। शाम हो गई है, मौसम बहुत ही अच्छा था। और जब आप लोग ना 4-5 दिन का काम एक दिन में ख़त्म करते हैं तो आप लोगों को कितनी थकान हो जाती होगी। मैंने सोचा अपने लिए एक बहुत ही अच्छी सी कॉफ़ी बनाती हूँ, ये मेरे लिए ट्रीट भी होगी और अगले दिन के लिए मेरा एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा, शायद मैं इससे ज़्यादा काम कर पाऊँ। मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब घर आपका साफ़ हो जाता है ना, तब तो आप लोग शांति से कुछ भी पी लीजिए, चाहे वो एक सिंपल सा पानी का ग्लास भी क्यों ना हो, आप लोगों को बहुत ही अच्छा फील कराएगा। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद वापस से वही इवनिंग का जो आपका होता है रूटीन, वो स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों को देखना, उन्हें पढ़ाना, उसके साथ ही डिनर बनाना। तो ऐसे ही हमारी जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। पर इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर आप लोगों को कहीं से भी खुशी मिले तो ज़रूर आप लोगों को ले लेनी चाहिए। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि फिर से हम लोग घर को रीसेट ही करने वाले हैं। तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक। टेक केयर एंड बाय बाय।